वेल फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है, ये एक हिलेरियस लव स्टोरी है एक्चुअली, आपको बहुत हंसाएगी। एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ फैमिली वैल्यूज इन द फिल्म। जो किरदार मैं निभा रहा हूँ उसका नाम है निक्की, वो एक ब्रेकअप आर्टिस्ट है जो लोग अपने रिश्तों को लेकर बहुत दुखी है एंड यू नो दे वांट चेंजेस इन देयर लाइफ। वो बहुत अच्छी तरह ब्रेकअप कराता है, सब पार्टीज खुश होते हैं, ऐसा किरदार है। बट ऑफकोर्स दैट्स नॉट व्हाट द फिल्म इज अबाउट, वो हम थोड़ा सीक्रेट रखेंगे। जब ऑडियंस फिल्म को देखेगी ऑन होली 8th of March, आई होप दैट दे ट्रूली एंजॉय इट। एक्चुअली मीनिंग क्या है, समवन हु इज कनिंग इंटेलिजेंट, जो जो फिल्म में जो इस किरदार के जो हालात होते हैं उसको मकारी पर उतराना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई आई गेस लाइक आई सेड बिफोर कि जब लोग फिल्म देखेंगे दे विल अंडरस्टैंड द कैरेक्टर। रिलेशनशिप में घुसना आसान है, उसमें से निकलना मुश्किल, आई थिंक ये सच बात है। आई थिंक जब लोगों को प्यार होता है पहली बार या दूसरी बार या चौथी बार, आई थिंक वो जो एक्साइटमेंट होती है अंदर, वो जो एक नए नए प्यार की एक जो फीलिंग आती है ना, इट्स ऑलवेज ईजी टू यू नो स्टार्ट, सो दैट्स अ वेरी ग्रेट टाइम। बट जब रिश्ते तोड़ते हैं, ऑफकोर्स रिश्ता टूटता है, ऑफकोर्स दैट्स अ वेरी सैड टाइम फॉर बोथ पार्टीज एंड समटाइम्स वन पर्सन इज स्टिल इन लव द अदर पर्सन इज नॉट इन लव, तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो यस, गेटिंग आउट ऑफ रिलेशनशिप इज मच हार्डर। कोई बात नहीं, सिर्फ लड़कियाँ झूठी होती हैं, लड़के भी झूठे होते हैं। क्या है कि ना थोड़ी दिक्कत होती है कि जब हम ऐसी किस्म की फिल्में करते हैं ना, ज़्यादातर ऑडियंस सोचने लगती है कि जो एक्टर्स प्ले करे वो भी ऐसे ही है। मेरे साथ हुआ था जब मैंने बसना हसीनों की थी, जो मेरी दूसरी फिल्म थी, बहुत लोग ऐसा सोचने लगे अच्छा ये तो ऐसा ही होगा, तो एक वो स्टैम्प लग जाता है। बिकॉज इट्स समवेयर ऐसी जो जॉनर होती है, आपको अपनी खुद की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करनी पड़ती है आपके पीछे, यू नो ऐसा कुछ किरदार नहीं होता है, कैरेक्टर नहीं। भाई ये मूवी तो सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ना, अगर मैं संजू जैसी फिल्म करूँ या रॉकस्टार जैसी फिल्म करूँ तो उसके पीछे किरदार होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, मैनरिज्म्स होते हैं। ऐसी फिल्म में आपको खुद की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करनी पड़ती है तो और मुश्किल होता है। और मैंने अभी करीबन कितने किए, मैंने बचपन हसीनों किया है ये जॉनर में, अजब प्रेम की गजब कहानी की है मैंने, ये जवानी है दीवानी इज मोर फॉर लव स्टोरी, सो आई वुड से इट्स अ रोम कॉम, इट्स अ कमिंग ऑफ एज लव स्टोरी आई गेस। ए दिल मुश्किल की है, अनजाना अनजानी की है, तो ये मेरी 6th रोम कॉम है। तो आई थिंक इसके बाद मुझे रिटायर होना चाहिए जॉनर से, तो लोग मुझे रिटायर कर देंगे। श्रद्धा के साथ मैंने पहली बार काम किया इस फिल्म में, मैं श्रद्धा को बचपन से जानता हूँ, हाफ फैमिली इज हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट है, वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल ऑन स्क्रीन एंड आई थिंक उसने बहुत मेहनत की है इस फिल्म में। मैंने अभी इस सवाल का जवाब दिया कि ये मेरी बायोपिक बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं बोल रहा कि मैं मुझे प्यार होता होता कई बार है, मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि यार टेंशन मत ले, तेरा अगर ब्रेकअप भी हुआ है इट्स ऑल गुड, प्यार होता कई बार है। और ये भी बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी प्यार एक बार भी होता है, और वो बहुत लकी इंसान होते हैं कि पहली बार किसी से प्यार किया। और मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं, आई सीन लॉट ऑफ लाइक फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो विच दैट्स बीन द फर्स्ट लव टुगेदर एंड दे लास्टेड फॉर 40-50-60 ईयर्स टुगेदर। और कभी कभी आपको 2-3-4 रिलेशनशिप से गुजरना पड़ता है टिल यू फाइंड द करेक्ट पर्सन, एंड दैट्स ऑल्सो फाइन। यू नो आप खुद को पहचानते हो, आपको समझ में आता है रिलेशनशिप्स के बारे में, यू नो हाउ मच यू हैव टू गिव द रिस्पेक्ट एवरीथिंग, सो इट्स फाइन बोथ वेज। लव में कोई रूल्स नहीं होते बेसिकली। सबसे पहले तो ऑफकोर्स आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये सम्मान दिया, आई डोंट थिंक आई फुली डिजर्व इट फॉर ब्रह्मास्त्र, वो बहुत बड़ी कुछ एक्टिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। और जब भी कुछ अवार्ड आता है तो ऑफकोर्स यू फील ग्रेट। I'm very excited that Alia won the award because she was truly deserving in her performance in Gangubai. I think that's one of the finest performances ever. But when award milta hai, acha ek feed mein ek tappi milti hai ki chalo you know aapne theek tha kaam kiya. Aur zyada tar feeling ye hoti hai ki chalo ye baj gaya, abhi agle tak tension abhi rakhenge. Ab ye jo film release hogi ye bhi chal gayi, to zyada tar yehi hota hai ki baj gaye, on to the next. Yani jaise maine is film mein main breakup kara raha hu lekin mujhe khud pyar ho jata hai. To main apne pairon pe kulaadi maar deta hu. प्यार से बढ़कर क्या है दुनिया में, यू नो एंड नॉट ओनली पार्टनर लव, इफ इट्स आपके फैमिली की तरफ है, आपके दोस्तों की तरफ है, आपके जानवरों की तरफ है, किसकी भी तरफ है, आई थिंक लव इज़ द ग्रेटेस्ट फीलिंग एवर। एंड जहाँ ब्रेकअप का सवाल होता है, एनी काइंड ऑफ ब्रेकअप, एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो हमेशा बुरा लगता है, हमेशा एक अच्छी बात नहीं होती। बट इस फिल्म में हमने सब कुछ एंटरटेनिंग कॉमेडी तरीके से दिखाया है। इसमें हमारे बहुत ही मशहूर अभी जो स्टैंड अप कॉमेडियन है बस्सी भाई भी है, जो उन्होंने बहुत कमाल का काम किया। आपने बस्सी के वीडियोज़ देखे, वेरी मैं उसको भी करना सिखा रहा हूँ बस्सी को। नहीं नहीं ऐसा पागल है, बस्सी ओरिजिनल है, उससे कोई उसके जैसा मैंने कोई इंसान ही नहीं देखा। वो इतना अच्छा इंसान है और इतना अच्छा लिखता है। आई थिंक जो स्टैंड अप कॉमेडी की जो एक आर्ट होती है वो बहुत मुश्किल होती है। हमें लगता है कि हम भी ऊपर जाके 2-3 जोक्स मार देंगे तो यू नो लोग हंसेंगे, उसमें बहुत एक कला है। आई थिंक बस्सी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। रणबीर, अरे रुका, सबको तो पूछते हैं यार।
ਰਣਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਸਿਵ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂ ਆਲਿਆ आई थिंक जब हम जब मैं मेरी बात कर सकता हूँ जब मैं यंगर था शायद मैं ज़्यादा पोजेसिव था बट आई थिंक नाउ दैट आई एम ओल्डर आई अंडरस्टैंड लाइफ मोर आई अंडरस्टैंड थोड़ी दुनियादारी भी आ गई है आई थिंक पोजेसिवनेस बहुत ही एक सेल्फिश इमोशन है आई थिंक यू हैव टू बी वेरी सिक्योर यू हैव टू गिव द फ्रीडम टू योर पार्टनर आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है एक रिलेशनशिप में वो है रिस्पेक्ट अगर आप रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे को अगर इफ़ यू गिव ईच अदर टाइम इफ यू गिव ईच अदर लव एंड रिस्पेक्ट देन यार क्या है कि जो मैं फिल्में करवाता हूँ वो बहुत मैन्युपुलेटिव है आई डोंट फील कि रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें ऐसी मैन्युपुलेशन यूज़ करना चाहिए आई थिंक जब आपका दिल उड़ चुका हो उस रिलेशनशिप से जब आपका प्यार खत्म हो गया है आई थिंक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट थिंग एंड यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव दैट यू डोंट हर्ट द ऑपोजिट पार्टी इफ इट्स अ बॉय और अ गर्ल तो ये इसमें सब मैन्युपुलेशन काम नहीं आता यू हैव टू जस्ट बी रियल एंड जो आपके अंदर जो बात है जो सच्चाई है जितना आप साफ साफ कह सकते हो वही बेटर होगा बिल्कुल आई थिंक जो कल्चर पंजाब में है वो दुनिया भर में आई थिंक इज द रिचेस्ट कल्चर मैं अभी पिछले 4 दिन से पटियाला में शूट कर रहा हूँ मेरी जो फिल्म अगली आने वाली है एनिमल उसके लिए और जब भी मैं पंजाब में शूट करता हूँ यहाँ का जो एक बहुत ही होलसेम वॉर्म फीलिंग आती है यू आर इन पंजाब अबाउट म्यूजिक फूड पीपल लव Everything, it's filled with all of that. So I would love to play a character like that. मैंने एक सरदार का किरदार निभाया था रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर में बट आई रियली होप दैट यू नो देयर इज अ स्टोरी दैट अ डायरेक्टर सीज मी जैसे है कोई ऐसा किरदार आपके माइंड में ऐसी बायोपिक जो आप मुझे देखना चाहोगे उसमें मुस्कान ऐसी तो कोई जॉनर नहीं है दैट यू नो आई वुड ओनली लाइक टू डू दैट एज एन एक्टर ये मेरा फर्ज है ये मेरी ड्यूटी है दैट यू नो आई ट्राई डिफरेंट कैरेक्टर्स अगर मैं वही बनी टाइप कैरेक्टर करता जाऊंगा तो आप खुद पक जाओगे और बोलोगे अरे हटाओ इसे यू नो तो यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स मैं बहुत सालों से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे फिल्म बनानी है मुझे फिल्म डायरेक्ट करनी है तो जो जॉनर मेरा सबसे फेवरेट जॉनर आई गेस फैमिली एंटरटेनर है जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो मेरे दादाजी राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी श्री 420 मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है मेरे दिल के बहुत करीब है एक दूसरी फिल्म है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल एक इटालियन फिल्म है वो भी मुझे बहुत पसंद है तो मैंने भी एक स्क्रिप्ट लिखी है लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना मैं और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल काम है एज एन एक्टर इट्स वे मोर इजियर टू वर्क इन फिल्म एज अ डायरेक्टर बट बचपन से मेरी चाहत थी टू डायरेक्ट अ फिल्म एंड आई होप आई कैन डू दैट सून नो आई मेक इट डिफरेंट आई थिंक मोस्ट ऑफ सॉरी मुझे खांसी हो गई है आई थिंक मोस्ट ऑफ द दिस जॉनर ज़्यादातर आपको कैरेक्टर स्क्रिप्ट में मिलता है स्टोरी में मिलता है ऑफ कोर्स इट्स द जॉनर दैट यू नो इट्स अ लिटिल सुपरफिशियल वे यू हैव टू लुक ऑल प्रिटी एंड यू नो आपको अच्छे गाने मिलते हैं ऐसे जॉनर में मुझे बहुत मजा आता है गाने करने के लिए आई लव डूइंग सॉन्ग्स एंड व्हेन आई गेट द यू नो द सपोर्ट ऑफ प्रीतम अरिजीत अमिताभ भट्टाचार्य आई ऑलवेज बिलीव दैट एक्टर्स इन द करियर्स आर ऑलवेज रिमेंबर्ड बाय देयर सॉन्ग्स अगर आज आप शम्मी कपूर के बारे में बात करें या राजेश खन्ना यू विल फर्स्ट थिंग दैट विल पॉप अप इन योर माइंड आर देयर सॉन्ग्स सो दिस जॉनर में एक बात मुझे बहुत पसंद है कि यू गेट रियली गुड सॉन्ग्स एंड यू गेट टू परफॉर्म देम तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है बट हैविंग सेड दिस ये जो किरदार है तू झूठी में मकार में जो किरदार है मिकी का मैं प्ले कर रहा हूँ वो बनी से बहुत अलग है और वो दूसरे जो किरदार मैंने प्ले किए रोम कॉम्स में उससे भी बहुत अलग है क्योंकि जो कहानी है इट्स बेसिकली अ कॉमेडी सो एवरीथिंग इज जस्ट हिलेरियस एंड उसके अंदर छुपा एक लव स्टोरी आई थिंक ये थोड़ा मेरा स्टेटमेंट मिसकंस्ट्रू हो गया था मैं आई हैड गॉन फॉर अ फिल्म फेस्टिवल एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स आस्किंग मी दिस क्वेश्चन दैट यू नो इफ यू गॉट अ गुड सब्जेक्ट वुड यू डू इट सो आई डिडंट वांट इट टू बी कंट्रोवर्शियल इन एनी वे जैसे हुआ आई डोंट थिंक इतनी भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई बट फॉर मी फिल्म्स आर फिल्म्स आर्ट इज आर्ट यू नो आई हैव वर्क विद फवाद इन ए दिल ए मुश्किल आई हैव नोन अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान यू नो राहत and Atif Aslam were such great singers who used to contribute to Hindi cinema. So cinema is cinema. I don't think cinema sees boundaries. But of course, you have to respect art. But at the same time, art is not bigger than your country. So anybody who is not on good terms with your country, your first thing, your first priority will always be your country. मैं कैसे बोलूँ हर एक्टर तो ये बोलता है कि मैंने ऐसी फिल्म कभी की नहीं है नया परफॉर्मेंस है बट आई थिंक ये फिल्म की खास बात ये है कि इस फिल्म के डायलॉग्स जो है
वो बहुत ही अच्छे हैं. आई थिंक लव रंजन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायलॉग राइटर एंड उसकी फिल्मों का एक रिदम होता है, एक टोन होता है डायलॉग्स का विच इज़ वेरी म्यूजिकल. अगर एक सीन भी चल रहा है तो ऐसे लंबे लंबे मोनोलॉग्स लिखता है और वो ऐसा डायरेक्टर है दैट ही डजंट लाइक यू टू टेक अ ब्रेथ, ही डजंट लाइक यू टू ब्लिंक योर आईज ऑल्सो. तो वो सब बहुत मुश्किल था बिकॉज एवरी थिंग वॉज लाइक अ एक्शन सीन ओनली, इवन इफ इट वॉज अ फनी और रोमांटिक सीन. बट आई थिंक इफ ऐसी फिल्म, आई हैवंट डन अ कॉमेडी ऑफ दिस नेचर. आई थिंक द ओनली कॉमेडी आई हैव डन इज अजब प्रेम की गजब कहानी, बट विच वॉज मोस्ट स्लैपस्टिक. बट दिस इज जेन्युइनली अ वेरी फनी हिलेरियस टेक ऑन लव एंड रिलेशनशिप्स.